कंगना राणावत के दिलचस्प वक्तव्य। कंगना राणावत ने फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ अपना विवाद खत्म कर दिया है क्योंकि दोनों ने बाद के नए टीवी शो के मंच को साझा किया है। हालांकि उसने कथित तौर पर कहा था कि प्रसिद्ध निर्देशक अपने चैट शो कॉफी विद करण पर अपने मेहमानों को जहर में जहर देते हैं। उन्होंने अब एक साक्षात्कार में यह स्पष्ट कर दिया है कि केजोन परिपक्व है और वह जानता है कि वह उससे नफरत नहीं करते। उन्होंने विस्तार से बताया कि उनके खिलाफ उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है और हालांकि वह कभी कभी गलत हो सकती हैं, इसलिए उन्हें अभी तक भाई भक्ति, यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को संबोधित करने का अधिकार है, जैसा कि समाज के लिए बेहतर स्थान बन जाएगा। कंगना राणावत ने फिल्म निर्माता करण जौहर द्वारा न्याय के एक शो का दौरा करने के बाद सुर्खियां खड़ी कर दी, जिससे उनके बीच सभी विवाद बाकी रहे। कथित तौर पर सेट पर वह भी एक अच्छी मूड में थी और किसी भी सवाल का उत्तर देने से शर्म नहीं करती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जब कंगना को अपनी शादी की योजना के बारे में पूछताछ हुई, उसने कथित तौर पर कहा, मुझे नहीं पता है कि क्यों हमारी समाज 30 वर्ष की उम्र से महिलाओं को शादी करना चाहता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी भी समय जल्द ही शादी नहीं कर रहा हूं और मैं भी 30 साल का नहीं हूं। एक औदिक हंसी के साथ समाप्त होता है। शो में एक रोमांटिक एक्शन देखकर पोस्ट करें। उसे अपनी प्रेम कहानी के बारे में पूछा गया और उसने उस प्रश्न को विनोदी तरीके से जवाब दिया। उसने कथित तौर पर कहा था कि उसकी कहानी सभी समाचार पत्रों में लिखी गई थी। मेरे इश्क के केश सारे अखबारों में मुझे पसंद आए हैं। उन्होंने यह भी कहा, इश्क की आंखों में खुदा देखते हैं, ना वो रोशनी थी ना हेरा, ना जाएंगे कौन सा मजेदार दिखता है हम। रानी अभिनेत्री का जिक्र कविता जो कह रही थी कि उसने यह लिखा था जब वह प्रेम में थी, यह एक आश्चर्य की तुलना में कम नहीं था। जब कंगना राणावत और करण जौहर बाद के नए टीवी शो पर मंच साझा करने पर सहमत हुए, यद्यपि दोनों एक दूसरे के प्रति विनम्र थे और यहां तक कि कैमरे के लिए भी गले लगाते थे, कंगना ने एक निश्चित टिप्पणी की थी कि हर कोई बात कर रहा था, जबकि खेल आप कितनी अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। अभिनेत्री से पूछा गया था कि करण अपने शो में अपने मेहमानों को कैसे पेश करता है और पिलट ने उनका जवाब दिया, जहर पिलटाता है मुझ पर। करण अपने मेहमानों को जहर की सेवा देता है, मुझसे पूछिए। फिल्म मेकर और अभिनेत्री के बीच चीजें बदसूरत हुई जब उसने उन्हें कॉफी विद करण पर अपने शोभा भाषण के झंडेदार और एक फिल्म माफिया कहा। इसके बाद कंगना के एक खुले पत्र और केजे से काए जानकारियों के शब्दों के कई आदान प्रदान किए गए। रिपोर्ट के विपरीत कंगना राणावत और फिल्म निर्माता करण जौहर के लिए कार्ड पर एक पैचअप हो सकता है। यह दोनों के लिए पेशेवर प्रतिबद्धता से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। एक अखबार के साथ बातचीत में कंगना ने करण के साथ उनकी अनुसूचित बैठक के बारे में बताया और बताया कि वह शो में होने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह एक व्यावसायिक प्रतिबद्धता है जिसके लिए वह भुगतान कर रही है। रानौत ने यह भी कहा कि यह देखने के लिए रमणीय था कि करण शो के साथ ठीक है और उनके साथ धीरे धीरे गर्मी लगती है। रिपोर्टों के मुताबिक केजो अपने आगामी शो इंडियाज अगली सुपरस्टार पर पहले ही बता चुके थे कि वे शो के लिए कंगना को एक अतिथि के रूप में खुश करेंगे। उन्होंने कहा था, हमारा दिल बड़ा है, हमारा घर खुला है। फिल्म निर्माता ने यह भी कहा, अगर हम एक आमंत्रण भेजते हैं तो हम उन्हें सभी आदर और प्यार से स्वागत करेंगे। कंगना राणावत अपनी आगामी फिल्म मैंने करने का झांसी की रानी के शूटिंग के लिए स्पॉटलाइट से बाहर हो गई, लेकिन अभिनेत्री समय समय पर मौजूदा मामलों पर ब्रश कर लेती हैं।
एक आलिया घटना में स्टार पद्मवती अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जारी धमकियों का विरोध करने के लिए आज्ञाएं और कहा गया कि समाज में पितृसत्ता को अपने जीवन से उदाहरण पेश करते हुए हमला करने की जरूरत है। जिस स्टार ने गुरुवार की रात को एक घटना में कभी खनन नहीं किया था, उसी पर अपने विचार साझा करने के लिए जिसने कहा था यह बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत आश्चर्य की बात है, जब मेरी बहन थी स्कूल में, वह एक छात्र से एक ऐसे हमले का सामना करना पड़ा, और अब जब मैं एक पेशेवर वातावरण में हूँ, तो एक सुपरस्टार मुझे सलाखों के पीछे रखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह हमारे समाज में बहुत आम है। मुझे लगता है कि हम लोगों पर हमला नहीं करना चाहिए, हमें पितृसत्ता और श्लोकवाद पर हमला करना चाहिए। व्यक्तियों के लिए हम उन्हें बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वह सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल लड़कों के लिए ही सीमित नहीं है, इसका मतलब लड़कियों के लिए भी है। इसलिए हमें उस दृष्टिकोण पर हमला करना पड़ता है और हम इसे अपने काम, भाषण या फिल्मों के साथ कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि फिल्म एक महत्वपूर्ण माध्यम, क्योंकि हम एक उद्योग के रूप में ही हमारी फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुँच सकते हैं। संजय लीला भंसाली की पद्मावती शुरुआत से ही सुर्खियां लगा रही है। चीजों ने बदसूरत मोड़ लगाया जब फ्रिंज ग्रुप से संबंधित प्रदर्शनकारियों ने फिल्मों को मौत की धमकी जारी करने और निर्देशक और उनकी अग्रणी महिला दीपिका पादुकोण को शारीरिक नुकसान की धमकी देने से रोकने के लिए सड़कों पर ले लिया। इस पूरे फिल्म उद्योग को मैग्नम ओपस एंड स्टोक के समर्थन में मिला।